जनाब रेस्पेक्टेड फॉर्मर एमपी बनातवाला साहब, प्रोफेसर जवाहरुल्ला साहब और तमाम दोस्तों, हम सब यहां पार्लियामेंट पर मोर्चा लगाए जमा है। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से आप सबका सिर्फ स्वागत और इस्तकबाल ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रिजर्वेशन की तहरीक, सच्चर कमेटी की तहरीक, इस पर अमल हो, इसके लिए बराबर आपके साथ है और कदम से कदम मिलाकर हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। मैं खास तौर पर प्रोफेसर जवाहरुल्ला साहब और तमिलनाडु मुस्लिम मॉनिटर अकादम उसको मुबारकबाद देता हूं कि उनके इनिशिएटिव पर सब यहां जमा हैं। उनके साथ और भी कितनी तंजीमें हैं जो यहां आज यहां पर जमा हैं, सबको मुबारकबाद। इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी ये आपके कदमों को चूमेगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिसमें मुसलमानों की बदहाली पेश की गई है, दरअसल यह रिपोर्ट हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म के लिए एक चैलेंज है और इस रिपोर्ट को लागू करना, इस मुसलमानों को रिजर्वेशन देना, रिजर्वेशन के ऊपर जो 50% की लिमिट लगाई गई है उस लिमिट का खत्म होना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, रिजर्वेशन मिले, ये हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म की आबरू है। इस तहरीक के साथ हम शामिल हैं। मुतालबा किया जा रहा है कि मुसलमानों को आबादी के तनासब से रिजर्वेशन दिया जाए। जहां तक कि हमारा ताल्लुक है मुस्लिम लीग का, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर आज तक ये मुतालबा हमारा बराबर जारी रहा और अब जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई गई है तो हालांकि रिपोर्ट के अंदर रिजर्वेशन का तस्करा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट का तकाजा यही है कि रिजर्वेशन मिले। दैट द रिजर्वेशन बी ग्रांटेड, दैट इज द सम टोटल ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द सच्चर कमेटी रिपोर्ट। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह यूपीए की हुकूमत में कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था, इसके बाद भी कितने मौके पर कांग्रेस ने यह कहा है। कांग्रेस ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से हमको भी इस बात का यकीन दिलाया कि रिजर्वेशन दिया जाएगा। आज वक्त आ चुका है कि वो अपने वादे को पूरा करे और यहां हम जमा हैं इस ऐलान के लिए कि पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के सेक्युलर मिजाज रखने वाले लोग उठकर खड़े हो जाएंगे और ये तहरीक जारी रहेगी जब तक के रिजर्वेशन ना हो, जब तक के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल ना हो। इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल ये वक्त नहीं है। आपको बेहतरीन और मुकर्ररीन से सुनना है कि जो यहां पर बराबर आपके साथ में मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि आपके ये तहरीक कामयाब रहेगी। मैं मुबारकबाद देता हूं, बढ़ते हुए यहां तक आए हैं। ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अमल में आए। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के ये काम पूरा ना हो। इंशाल्लाह
आप सबको मुबारकबाद।